महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के लिए जो पेपर की स्कीम है और एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। लोक प्रशासन में बीए सेकेंड ईयर में दो पेपर होंगे आप लोगों के। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा और पेपर सेकेंड 100 मार्क्स का होगा। जो भी परिवर्तन इस वर्ष 2023-24 की परीक्षा के लिए किए गए हैं वो सारे परिवर्तन केवल फर्स्ट ईयर से लागू होंगे। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इस साल जो हैं उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के सेमेस्टर स्कीम नहीं है, आप लोगों के जो भी पुराना पैटर्न है उसी हिसाब से आपकी परीक्षा होगी। जो पेपर फर्स्ट होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, जो पेपर सेकेंड होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, और पेपर सेकेंड का नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में राज्य प्रशासन। अब चूंकि राजस्थान राज्य में प्रशासनिक बदलाव हुए हैं, पुराने जिलों की संख्या 33 थी उनकी संख्या बढ़ाकर अब 50 कर दी गई है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सेकेंड पेपर पढ़ने से पहले, क्योंकि जिलों की संख्या बढ़ जाने से कुछ परिवर्तन हैं जो प्रशासनिक ढांचे में हुए हैं उनको हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहता है। इसलिए सेकेंड पेपर को हम स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। आज हम केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है। सबसे पहला पेपर, उसकी पहली यूनिट, पहले पेपर का नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। उसकी यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे किस प्रकार प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं काम करती है। प्रशासनिक संस्थाएं क्या है, प्रशासनिक संस्थाएं कितने प्रकार की है, इस बारे में हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। फिर हम राज्य की अवधारणा देखेंगे कि राज्य अहस्तक्षेपवादी राज्य कैसा होता है, लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है और प्रशासकीय राज्य कैसा होता है। अहस्तक्षेपवादी, लोक कल्याणकारी और प्रशासकीय राज्य। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है आपकी वो है सरकार का संगठन, व्यवस्थापिका, उसकी भूमिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी सरकार का ऑर्गेनाइजेशन। सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका कानून को लागू करने वाली संस्था, और उसके बाद है न्यायपालिका। ये सरकार के अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका की क्या भूमिका है, रोल क्या है, व्यवस्थापिका यानी संसद उसका रोल क्या है, और जो आधुनिक युग है उसमें किस प्रकार इसकी भूमिका कम हो रही है। अगर एक संगठन के एक एक अंग की भूमिका कम होगी तो दूसरे की निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो कार्यपालिका की भूमिका बढ़ रही है, तो कार्यपालिका के प्रकार जानेंगे यूनिट सेकंड में, और व्यवस्थापिका से उसका क्या संबंध है वो भी जानेंगे। न्यायपालिका के कार्य तथा न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड जो है वो है आपके लोकतंत्र व प्रशासन। तो भारत चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत में किस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रशासन है, उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है लोकतांत्रिक प्रशासन की, ये यूनिट थर्ड में जानेंगे हम। फिर लोकतांत्रिक देशों में नौकरशाही की क्या भूमिका होती है, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, दबाव समूह कैसे हैं, या राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है, भारत में कौन कौन से दबाव समूह काम करते हैं और उनके बीच में कौन कौन सी अंतरक्रिया होती है, इस बारे में हम यूनिट तीन में पढ़ेंगे। फिर यूनिट चार में हम पढ़ेंगे जिन प्रशासनिक संस्थाओं की हम बात कर रहे थे फर्स्ट यूनिट में, उनको हम पढ़ेंगे यूनिट चार में। जैसे वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग का संगठन क्या है, कैसे बना हुआ होता है वित्त आयोग, और उसकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली यानी कार्य, वित्त आयोग तथा उसके कार्य, ये हम पढ़ेंगे। तो ये एक संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति इसका गठन करेंगे। फिर अगला जो यूनिट फोर में जो संगठन है या संस्था है वो है नीति आयोग, ये कार्यकारी आदेश द्वारा गठित संस्था है। फिर उसके बाद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र सरकार के जितने भी अखिल भारतीय सेवाएं एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं में भर्ती की प्रमुख एजेंसी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। तो इसमें यूनिट चार में ये प्रशासनिक संस्थाएं हैं, वित्त आयोग है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है तथा संघ लोक सेवा आयोग है, ये हम यूनिट चार में पढ़ेंगे। और यूनिट पाँच में हम पढ़ेंगे एक तो इंडिया का इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
उसमें किस प्रकार चुनाव का प्रशासन करवाया जाता है, उस सारी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए भारत की जो चुनाव की प्रणाली है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक क्रियाओं में एक है। यानी विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई प्रशासनिक गतिविधि है तो उनमें से एक है भारत में निर्वाचन करवाना, आम चुनाव, भारत के आम चुनाव। तो निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे यूनिट फिफ्थ में, और कुछ संगठन ऐसे हैं जो कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, जैसे केंद्रीय समाज कल्याण मंडल है, रेलवे बोर्ड है, भारत का रिजर्व बैंक है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो यूनिट पांच में आप किसी भी सोर्स से पढ़ेंगे तो रेलवे बोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे बोर्ड की स्ट्रक्चर है वो 2020 में चेंज कर दी गई है थोड़ी, उसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। बाकी आरबीआई है, एनएचआरसी है, ये यूनिट पांच में पढ़ेंगे। इसका मतलब पेपर फर्स्ट की पांचों यूनिट में भारत में प्रशासनिक संस्थाएं किस प्रकार काम करती है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे पेपर फर्स्ट में। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, कि पेपर सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे। पेपर सेकंड में है भारत में राज्य प्रशासन। भारत में हम राजस्थान राज्य में रहते हैं तो हम राजस्थान राज्य के प्रशासन के बारे में जानेंगे। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आता है कि भारत में राज्य प्रशासन का क्या इतिहास है, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या महत्व है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में हम इसको देखेंगे। चूंकि हम राजस्थान में रहते हैं इसलिए हम राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में इसमें देखेंगे। फिर राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल का पद है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर है, शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल के कार्य क्या है, राज्य प्रशासन में क्या भूमिका होती है राज्यपाल की, तथा मंत्रिपरिषद के साथ क्या संबंध होते हैं राज्यपाल के, ये हम फर्स्ट यूनिट में जानेंगे। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बाद के जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती है, मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है, तथा मंत्रिपरिषद के साथ इसके संबंध कैसे होते हैं। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की शक्तियां, कार्य, उनकी भूमिका और मंत्रिपरिषद के संबंधों का अध्ययन करेंगे। राज्यपाल जहां हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। राज्य सचिवालय, उसका संगठन क्या है, उसकी भूमिका क्या है, क्या उसके कार्य है। सचिवालय, राज्य सचिवालय जो कि जयपुर में स्थित है, उसका संगठन और उसकी भूमिका। फिर राज्य सचिवालय के पश्चात आता है मुख्य सचिव, जो कि पूरे राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव। उसकी राज्य प्रशासन में क्या भूमिका है, उसकी उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे विभागीय प्रशासनिक संगठन। सरकार के काम को आसानी से करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विभाग होते हैं, तो इसमें हम हमारे जो सिलेबस में है वो है राजस्थान में गृह विभाग, राजस्थान में वित्त विभाग तथा राजस्थान में कृषि विभाग। इन तीन विभागों के संगठन और कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये तीन विभागों के बारे में जानेंगे, इनका संगठन और इनका कार्यकरण। कार्यकरण का मतलब है कि उसके कार्य करने की क्या प्रणाली है, उसके कार्य क्या है। तो ये तीन विभाग हैं तथा कुछ बोर्ड हैं, कुछ निदेशालय है, इनके बारे में भी जानेंगे। तो एक है रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व मंडल, एक है राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन का न्यू सिस्टम, यानी जो राजस्थान में विद्युत प्रशासन है उसमें कंपनियां हैं उनके बारे में जानेंगे। कृषि निदेशालय के बारे में पढ़ेंगे और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस में हमारे निदेशालय नाम दिया हुआ है लेकिन वास्तव में ये आयुक्तालय बन गया है, अब कंप्लीटली आयुक्तालय बन गया है। इसका मतलब है कि पहले कॉलेज शिक्षा में निदेशक का पद होता था, उस पर किसी सीनियर आईएएस को लगाया जाता था, और अब आयुक्त रैंक के सीनियर आईएएस को लगाया जाता है, तब ये कहलाता है आयुक्तालय। तो ये कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय भी हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे, और कॉलेज से हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इसलिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय हम पढ़ेंगे। यूनिट चार में, जो कि बेस्ड है राजस्थान में कार्मिक प्रशासन पर, कार्मिक का अर्थ होता है कर्मचारी, राजस्थान राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनका प्रशासन कैसे होता है, राज्य लोक सेवाओं की क्या भूमिका है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का संगठन क्या होता है, उसकी कार्य करने की क्या प्रणाली है,
उसके कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। फिर राज्य लोक सेवाओं में भर्ती कैसे होती है, रिक्रूटमेंट कैसी होती है, पूरे स्टेट में राजस्थान राज्य में लोक सेवाओं में किस प्रकार भर्ती होती है, किस प्रकार ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए कौन सा संस्थान है जो RAS, RPS, RACS इन सब अधिकारियों को, कर्मचारियों को और जो उच्चाधिकारी हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। तो राजस्थान में राज्य प्रशिक्षण संस्थानों का जो संगठन है और उसकी कार्य प्रणाली को हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और उसके बाद है लोकायुक्त संस्था के बारे में पढ़ेंगे, हम ये भी यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में संभाग जो बनाए हुए हैं, जो वर्तमान में संभागों की संख्या 10 हो गई है, तो हर संभाग में एक कमिश्नर होता है, डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं उसको, संभागीय आयुक्त की शक्तियां और स्थिति, संभागीय आयुक्त की क्या स्थितियां शक्तियां होती है और उसकी स्थिति, जिला स्तर पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन किस प्रकार उसका संगठन होता है उसके बारे में जानेंगे। और ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ये जो अधिकारी हैं, इनमें से ऊपर है कलेक्टर, जिलाधीश, फिर है उपखंड अधिकारी जिसको हम SDO कहते हैं, SDM भी कहते हैं, और फिर तहसीलदार और निचले स्तर पर पटवारी। तो ये यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारे दोनों पेपर की 5-5 यूनिट होगी और पूरे पेपर जो होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों 100-100 नंबर के होंगे, 100-100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और जो पेपर आएगा वो पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। उसमें पहले सेक्शन में 10 प्रश्न होंगे, दूसरे सेक्शन में 5 प्रश्न होंगे। पहले सेक्शन में जो 10 प्रश्न होंगे वो दो दो प्रश्न प्रत्येक यूनिट से उठाए जाएंगे, वो आपको करने अनिवार्य हैं। और उसके बाद अगला जो सेक्शन होगा सेक्शन बी, उसमें प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न, जिनमें से एक करना है, यानी प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने हैं। तथा जो थर्ड सेक्शन होगा आपका सेक्शन सी, उसमें कुल 5 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं अटेम्प्ट। तो सेक्शन फर्स्ट जो है सेक्शन ए, वो आपका 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी आपका, सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी आपका 35 मार्क्स का, और सेक्शन सी आपका 45 मार्क्स का। ऐसे करके आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे।